ओम शांति। सबसे पहले एकांत में बैठें। बाह्य सभी बातों से बुद्धि को हटाते हुए अपने आप पर आ जाएं। मन में जो भी बातें आ रही हैं उन्हें कह दें, आप बाद में आना। और मस्तक के बीच बुद्धि को एकाग्र कर लें। देखें पॉइंट ऑफ लाइट, बहुत सुंदर एक सितारा। ये मैं हूँ, मैं आत्मा। अ पॉइंट ऑफ लाइट फुल ऑफ डिविनिटी। इस शरीर के मालिक बहुत शक्तिशाली हूँ। स्वयं को याद दिलाएं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ये कहते हुए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ अपने चारों ओर तीन सूक्ष्म गोले बना लें। अब आप पूरी तरह परमात्मा सुरक्षा कवच में हैं। अब धीरे से ले जाएं बुद्धि को सर के ऊपर, सर्वशक्तिमान बाबा की किरणें पड़ते हुए। परमात्म शक्तियों की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। ये प्रकाश की किरणें बहुत शीतल हैं, शक्तिशाली हैं। सर्व समर्थ बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा है। ये लाल किरणें मेरे अंदर समा रही हैं। मेरे अंग प्रत्यंग को भिगो रही हैं। ये लाल किरणें मुझसे निकल कर
दूर दूर तक फैल रही है। मेरे चारों ओर के वायुमंडल को चार्ज कर रहे हैं। देखें स्पष्ट रूप से चारों ओर का वातावरण चार्ज होता हो, फील करेंगे। अनुभव करते हुए इन शक्तियों को महसूस करेंगे। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। स्वयं को देखें अपने घर में। एक कमल आसन पर बैठा हुआ, सर पर पड़ती सर्वशक्तिमान पिता की लाल किरणें फाउंटेन के रूप में और मुझसे निकल कर चारों ओर फैलती हुई घर के कोने कोने में, एक एक कोने में फैलते हुए इन लाल प्रकाश की किरणों को, शक्तिशाली किरणों को देखें अपने घर में। भगवान का प्रकाश फैल रहा है। जिस प्रकार एक बल्ब की रोशनी पूरे घर के अंधकार को प्रकाश में बदल देती है, ठीक इसी तरह ये परमात्मा शक्तिशाली किरणें घर की हर मुश्किल को, परेशानी को, परिवार के हर एक सदस्य की बीमारियों को एकदम नष्ट कर रही हैं। ये किरणें परिवार के हर एक सदस्य पर पड़ रही हैं। परमात्मा प्रकाश की लाल किरणें पूरे घर में भर गई हैं। देखें पूरे घर को लाल रोशनी के इस प्रकाश से जगमगाता हुआ। जैसे मानो घर का शुद्धिकरण हो गया हो, मेरा घर तो जैसे मंदिर बन गया है। Thank you.
मेरे घर एक मंदिर है और मैं इस मंदिर की इष्ट देवी, इष्ट देवता हूँ, और ले चलें खुद को उस मंदिर में। जो भी आत्माएं यहाँ रह रही हैं उन्हें सुकून प्राप्त होता है। ये मंदिर है, इसमें हर एक की मनोकामना पूर्ण होती है। परमात्मा शक्तियों की सुगंध हर एक को महसूस हो रही है। अब प्यारे बाप दादा का आह्वान करते हैं, हे प्राणेश्वर, हे प्राणदानी, हे जगत कर्ता, हे सुख कर्ता दुख हर्ता, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आओ। हे जहान के नूर, हे सर्वशक्तिमान, हम आपके प्यारे बच्चे हैं। अपनी पलकें बिछाए, नैन झुकाए, आपका आह्वान कर रहे हैं, हमारे पास आ जाओ। देखो बाप दादा नीचे आ रहे हैं, देखें बड़े प्रेम से, बहुत तेजोमय प्रकाश चारों ओर फैलाते हुए नीचे की ओर आ रहे हैं और ये देखो आ खड़े हैं आपके सामने। बाप दादा को आप अपने सामने देखें, किस तरह देख मुझे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अपनी बाहें पसारे, मुझे पुकारे और कहें, बच्चे आओ मेरी गोद में। मैं सर्वशक्तिमान की गोद में चली जाती बाबा, मुझे दृष्टि दे रहे हैं और उस दृष्टि को ले बाप दादा से। देखिए बाप दादा के मस्तक से सर्व शक्तियों की किरणें फाउंटेन की तरह मेरे ऊपर पड़ रही है। जैसे कि मैं इस फाउंटेन के तले स्नान कर रही हूँ,
परमात्मा प्रकाश के तले मैं तर बदर हूँ, मैं उसमें समा गई हूँ। अब बाबा को मैं अपने पूरे घर में चक्कर लगवा रही हूँ। अब हाथ पकड़ लें बाबा का, घुमाएं अपने पूरे घर में। शुरुआत एंट्रेंस से करें, बाबा पूरे घर में चक्र लगाकर सबसे पहले किचन में पहुंचते हैं। बाबा ये आपका भंडारा है, यहीं पर मैं आपका भोग बनाती हूँ। बाबा मुस्कुरा रहे हैं। बाबा मुझे प्यार और पुचकार दे रहे हैं और मैं खुशी से समा नहीं पा रही हूँ। इतनी खुशी बाबा दे रहे हैं। अपने घर में रह रहे हर एक आत्मा को दृष्टि दिलवाएं, अपने घर में माता पिता भाई बहन बाबा हर एक आत्मा को दृष्टि दे रहे हैं। बाबा से तेजू में प्रकाश निकल पूरे घर में फैल रहा है। ये प्रकाश घर से पूरे शहर में फैल रहा है। और शहर से पूरे देश में फैल रहा है। देश से पूरे विश्व में फैल रहा है। जैसे आपका घर लाइट हाउस माइट हाउस बन गया है, बाबा लोप हो जाते हैं। और ये अभ्यास आप अपने घर के एनर्जी को बदलने के लिए, घर में बदलाव लाने के लिए ज़रूर करें। ओम शांति।